असलकम हमारे एक पैलेस्टीनियन भाई जो अपने आप को सफ़ीर कह रहे हैं पेलस्टाइन का टू टू दू के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी और उसमें वो फरमा रहे हैं कि इस ईशू को रिलीजस एंगल से नहीं देखना चाहिए बल्कि ये पोलिटिकल और लीगल इशू है तो दिस इज़ नाट अमेजिंग एट ऑल जो पेलस्टीन पॉलिटिशनस हैं उनका शायद ही कोई ताल्लुक हो अपनी आवाम से बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वतन अजीज़ में जो रूलिंग तबका है जो स्टैब्लिशमेंट जिस वो आप कहते हैं आ, लूसली उसका कितना ताल्लुक़ है आवाम से एक्टली exactly. वो हम सब जानते हैं बहरहाल हमारे भाई ने बात की है तो इस बारे में मैं तो कुछ बातें करना चाहता हूँ कुछ सवाल उठाऊँगा और सवालत से आपको कुछ क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगी कि ऐशू है क्या और इशू क्या होना चाहिए इन शहरा सवाल ये है कि ये सरजमीन जिसको आप पैलेस्टाइन कहते हैं ये हमारा यहाँ पे एक मस्जिद है मस्जिद अक्सा वो कोई ऑर्डनरी मस्जिद नहीं है वो मस्जिद हमारा पहला किबला रही है यानी मुसलमान अलैहि सलाम के ज़माने में जो नमाज पढ़ते थे तो वो इस मस्जिद को की तरफ रुख करते थे फिर अल्लाह की तरफ से जब हुक्म आया कि अब आप मक्का में जो किबला है जो अल्लाह का घर है उसकी तरफ अब आप मस्जिद हराम उसकी तरफ अब आप आ, अपना रुख करें नमाज के लिए तो वो चेंज हो गया आ, लेकिन जो किबला अव्वल है वो आज भी हिस्ट्री में हमारी यादों में हमारे दिल में किबला अव्वल सिर्फ़ एक मस्जिद है और वो मस्जिद अक्सर है वो पैलेस्टाइन में तो भाई से ये पूछना था कि ये वाला जो हमारा इससे ताल्लुक है ये कोई पॉलिटिकल और ये कोई लीगल तो नहीं है ये तो एक रिलीजस ताल्लुक़ है और ये वो रिलीजस ताल्लुक़ है जो हर चीज़ से मुबर्रा है हर चीज़ से ऊपर है तो इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए एक पहला सवाल मेरा यह है दूसरा सवाल मेरा ये है कि मोहम्मद सलात ने मिराज की एक एक सफ़र किया था उसको इसरा वल मराज कहते हैं रसूल अलैहि वसल्लम को मक्का से उनको लाया गया इस सरज़मीन पे इस मस्जिद के पास और वहाँ से बराक उनको हेवंस में ले गया और वहाँ पे रसूल सलातलम को हर चीज़ दिखाई गई और फिर इवेंचुअली द हाई पॉइंट वाज वॉज़ रबालमीन से मुलाकात हुई ये बात हमारे दिमाग में एचड है ये बात हमारे दिलों में है इसरा वालज की जो का जो वाक़ है वो हमारे लिए गाइडेंस है हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी का एक सोर्स है और हमारे नबी सलात सामने ने जो वहाँ पर चीज़ें देखीं वो उन्होंने अपनी अहदीस में हम तक पहुँचाई तो उनको भी कहाँ पे रखना है फिर हमने अगर ये मामला इस सरजमीन का सिर्फ पैलेस्टीन पॉलिटिशियंस ने हल करना है क्योंकि ये एक मसला लीगल और पॉलिटिकल है और इंटरनेशनल प्लेयर्स ने हल करना है इन इन पॉलिटिशियंस के साथ मिलके, और इसका कोई रिलीजस फॉल आउट नहीं है या कोई रिलीजस इसका कनेक्शन नहीं है कोई इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो फिर ये इसरा बल मराज वाला जो सारा सीक्वेंस है इसको हमने किधर रखे हम इसको कहाँ लेके जाएं ये बताएँ वरसे जो अखद शुदा या रसूल सल्लल्लाहु सल्लम ने जो इस वाक़े के बाद जो जो बातें हमें कही है, बाते हैं एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड सूर फूकने वाले फरिश्ते से मुतलक जो बातें हैं दोजख और जन्नत के जो डिस्क्रप्शन हैं आ, हमारी तो नमाज़ें का जो काउंट है वो भी इसी में तय हुआ था तो हमारा भाई ये बताए हमें ये सफ़ीर कॉल्ड so ये हमें बताए कि फिर नमाज़ें कैसे पढ़नी है हमने पचास पढ़नी है या पाँच पढ़नी है वो तो असल मिजा मिराज है इसी वाक़ इसी सरजमीन से रिलेटेड है रसूल वसलम यहीं से तशीप लेके गए थे वो रसूल तो हम सबके हैं उनकी तो कोई नेशनली नहीं है वो तो ना सऊदी नेशनल थे ना वो पैलस्टीन नेशनल थे ना वो पाकिस्तानी नेशनल थे तो पहले तो ये तय करें ये हमारा सफ़ी हमारा भाई ये तो पहले तय करें कि उनकी नेशनलिटी क्या थी इनका असल इशू इवेंचुअली नेशनलिटी पर ही आना है साहब गुजरे हैं उमर बिन अलखताब फाते तो मदीना में खिलाफत के मनसब पे थे आपको क्या पड़ी थी क्या पैलेस्टाइन भेजते वो सारें थी टैंक्स और हवाई जहाज तो थे नहीं सारा काम ऊँटों पे होता था घोड़ों पे होता था कितना फासला बनता है आप जरा खुद देख लीजिए मदीना में और जरूसलम में फासला कितना है कई दिनों की मुसाफत थी कई वीक्स की मुसाफत थी इफ आई एम राइट आप हज़रत उमर की पॉलिटिक्स और लीगल कोई क्लॉजस थे जिसकी वजह से वो तशीफ़ लाए अपना कीमती वक्त निकाला और चाबियाँ लीं इस शहर की वो तो मदीना में नहीं थे बैठे हुए पैलेस्टाइन उनका क्या काम था फिर एक उमरी माहिदा भी है आप क्योंकि माशा लोकल पेलस्टीनियन है आपका जम्पल पैलेस्टाइन में होगा तो मैं तो सूरज को चिराग ही दिखाना चाह रहा हूँ उस वक्त वो उमरी माहिदा कहाँ है आजकल ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो आजकल पुराने क्रिश्चन हैं वो हमें ये बताते फिरते हैं ये दिखाते फिरते हैं कि ये याद है आपके वो सहाबी आए थे वो आपका कॉन्करर आया था उमर रदी अल्लाह उसने हमारे साथ एक वायदा किया था ये एक साहब थे सलाहुद्दीन अल अयूबी ये कौन थे इन्होंने किस खाते में इस खत्े को नसरानियों से और यहूदियों से आज़ाद कराया था ये भी सवाल है ये तो कुर्दिस्तान से थे कर्ट थे उस रीजन से थे मतलब तो ये पैलेस्टाइन का इनसे क्या ताल्लुक है कौन सा ऐसा पोलिटिकल लीगल मैटर था जिसकी वजह से ये अपनी सारी अफवाज उठा के इन्होंने मुहासरा किया पैले अलकुद्स का फिर उसे आज़ाद कराया ठीक है वहाँ के लोगों को जनरल एमनेस्टी थी कि आप निकल जाएँ हालांकि वो कम्बेटेंट्स थे अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें ये सब कुछ उन्होंने किस खाते में किया ये मेरा एक सवाल बनता है उनकी क्या नेशनलिटी थी उनके कौन से पॉलिटिक्स थी और उनका कौन सा लीगल ऐसा फ्रेमवर्क था जिसमें उन्होंने ये जरूरी समझाया कि अपने तमाम काम छोड़ के अपनी तमाम फौज को लेके उनका खाना पीना सारी लॉजिस्टिक्स अपने ऊपर लेके उन्होंने एक एक जगह को कराया फ्री करवाया फ्रॉम द क्रिश्चियंस एंड जूज ऑफ़ दैट टाइम अब सवाल मेरा रिटोरिकल है उनका भी क्या मामला है वो तो अल्लाह के ऑर्डेंड हैं कि वो नीचे उतरें इधर और इधर ही उतरेंगे वो वहाँ तो मुझे बताइए कौन सा फ्रेमवर्क होगा जो हजरतीसा फॉलो करेंगे वो तो अल्लाह के रसूल हैं उनकी तो कोई नेशनैलिटी नहीं है तो खुदरा इस मसले को पोलिटिकल और लीगल कह के इसकी जो अहमियत है उसको डायलूट मत कीजिए ये हमारे लिए ज़िंदगी मौत का मामला है ये हमारे दीन का एक पिवट है ये हमारे अल्लाह सबाँ ती किताब में मेन्श है ये हमारे प्यारे रसूल सलातम की हदीसों में मैंशनड है यहां पे कई पैगंबर दफन है ठीक है यहां पे सहाबियों का प्योर ब्लड स्पिल किया गया है इसको इसको छुड़ाने के लिए यहां पे फातिहीन आए हैं सलीबी जंगे लड़ी हैं हमने हमारी हिस्ट्री है हमारी हिस्ट्री है किसी एक की नहीं तो खुदारा कल को अगर मक्का पे कोई फोर्स आके कब्जा कर लेगी तो क्या अहल सऊद ये कहे के मुबरा हो जाएंगे कि नहीं यह हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है यह आपके इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है या ये हमारा मैटर है अखी ये हमारा मैटर है प्लीज़ बेकअप और इसमें आखिरी बात यह है और ये मेरे लिए बड़ी कीमती बात है कि एक रिफाई तंजीम है पाकिस्तान में उसने एक कॉल आउट किया डॉक्टर्स को यंग डॉक्टर्स को कि कौन फ़लस्ती जाके अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज़ देना चाहेगा तो आपको ये जान के खुशी होगी अपना अम्बेस्टर साहब के बहुत ही थोड़े आवर्स के विद इन आवर्स तीन से चार हजार यंग डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम जाएंगे आपको ये जान के मजीद आप प्राउड होंगे कि उनमें से अलहदुल्ला नौ सौ फीमेल्स थी आई एम पर्सनली वेरी प्राउड आई एम अ फादर ऑफ अ डॉटर आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डॉटर्स द नाइन हंड्रेड वंस

फलस्तीन के मामले को देखा और आपने नहीं कहा उनको आने के लिए वो खुद लब कह के वो आना चाहते हैं वो आना चाहते हैं उनसे बचियां आना चाहती तो सवाल मेरा आपसे यह है कि ये क्या चक्कर है ये तो पेलस्टीनियन नहीं है ठीक है आ, इनका तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है ना ही इनका कोई लीगल मसला है ये तो किबला अव्वल को रिस्पोंड तो नहीं कर रहे कहीं या ये कहीं हजरत उमर को तो नहीं रिस्पोंड कर रहे कहीं सलाउद्दीन आला यूबी को तो नहीं रिस्पोंड कर रहे ये कहीं हजरत ईसा को तो रिस्पॉन्ड नहीं करे जिन्होंने डिसेंड जब करना है वाहिद ह्यूमन बीइंग जो जिंदा उठा लिया गया है हमारे अकीदे के मुताबिक और डिसेंड करना है फजर के वक्त करना है आपके नेबरहुड में करना है और वहां पे फजर की सफबंदी बंदी हो चुकी होगी इमाम के पीछे उसकी कामत पड़ी जा चुकी होगी तब वो डिसेंड करेंगे और वो उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट हैं बड़े पावरफुल फिगर हैं सेंट्रल फिगर हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है इसराइल के बिहाफ पे और उन्होंने काफ़ी दौरे किए हैं इस पूरे रीजन के पहले दौरे में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की विद इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर हैं नटिन याहू उनके साथ और उन्होंने कुछ इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन किया कि आज मैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बाद में हूँ इस यानी जिस हैसियत तो में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में बाद में हूँ पहले मैं जी हूँ सो ही इंट्रोड्यूस एज अ इंट्रोड्यूसल्फ आई थिंक इज अ रिलीजियस रेफरेंस अगेन अखी uh, आप ये भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ऐसा क्यों कहा ठीक है यह भी एक सवाल है आपके लिए इन शाज आजयनाज दिस इज आर यू एन आई यू एन आस दिस इज आर कलेक्टिव इशू